हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आपको दो वीडियो से पिछली वीडियो से बताया था कि मैंने टीमू से बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है अपने एयरबीएनबी को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए। मतलब बड़ी सारी नई चीजें ऐड करी थी मुझे एयरबीएनबी पे। तो मैं क्या कर रही थी, मैं टीमू की वेबसाइट पे ना लगातार आंख कड़ाई बैठी हुई थी। उनकी ना नई नई डील्स निकलती रहती है, 90% ऑफ बहुत सारी चीजों पर आ जाता है और फ्री कूपन्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों में ना मतलब मैं देखती रहती हूँ और कार्ट में ऐड करती रहती हूँ। तो जैसे ही जब रेट बहुत कम हो जाता है मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था तो यहाँ पे सामान ऐड किया है। तो आपको मैं वो दिखाती हूँ कि पहले टीमू से सामान यहाँ पे आगे ऐड किया है और फिर आपको मैं अपने ऊपर जाके बॉक्सेस दिखाती हूँ और बाकी चीजें दिखाती हूँ। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं क्या क्या ऐड किया। जाओ, सबसे पहले तो कैनेडा में बहुत छोटी वाली समर चल रही है, तो मैं चाहती कि जो भी गेस्ट आए ना, जैसे एंट्री कर रहे हो तो उनको वो कैनेडा की समर वाइब, अच्छी ग्रीनरी वाली वाइब आ जाए। तो मैंने ये एक ना पैनल मंगाया था, फेंस पैनल है। वैसे तो ये मोस्टली लोग जो अपनी उनकी फेंस होती है ना गार्डन में, उसके ऊपर लगाते हैं ताकि वो ब्राउन वाला वुड वाला फीलिंग ना आए और ग्रास ग्रास वाला लीव वाला फीलिंग आए। बट मुझे लगा ये जो मतलब यहाँ वाला ना एरिया बड़ा बोरिंग सा था, तो ये यहाँ पे कलर भी ऐड कर रहा है, एक्साइटमेंट भी ऐड कर रहा है, समर वाइब्स भी ऐड कर रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ही बड़ा पैनल आया था, इसकी अभी भी दो टाइल्स मेरे पास बची हुई है जिनको मैं ऊपर कहीं पर फिट करूंगी। तो एक तो ये चीज ऐड करी है और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थी यार। अच्छा, और दिखाती हूँ। एक हमारे एयरबिन में वॉल क्लॉक की कमी थी, हमने रिलायंस ही नहीं किया था कि हमने वॉल क्लॉक ही नहीं लगाई है। तो ये एक वॉल क्लॉक ऐड करी है हमने और ये मुझे बहुत ही क्लासी सी लगी, अच्छी सी लगी। और अगेन मैं बोलूंगी टीमू से ऑर्डर करी है तो रेट्स हर चीज के बहुत अच्छे मिले यार मुझे। और ऐड किया है मैंने ये वाइन ओपनर, ये भी जरूरी था यहाँ पे ऐड करना। तो मैं जैसे कहा ना मैंने कि धीरे धीरे मैं चीजें ऐड करती रहूंगी, तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद ये वो वाला एयरबिन भी हो जाएगा जिसमें सारे 5-star होटल वाली ना फैसिलिटीज मिल रही है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मिल रही है। और लास्ट टाइम किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि शिल्पा वाइन ग्लासेस भी रखो, तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन था, थैंक यू सो मच। तो मैंने वाइन ग्लासेस भी ऐड कर दी है और गिफ्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री वाइन बॉटल भी ऐड कर दी है। अब दिखाती हूँ इस रूम में क्या ऐड किया है हमने। ये एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर ऐड किया है, पता है मेरे पास भी है ऊपर एक एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर जो मैं विनर से लेकर आई थी, लेकिन जब मैंने ये चलाया ना इसमें जो फ्यूम्स आती है, जो मिस्ट आती है, मतलब ऑन करते ही मिस्ट आनी शुरू हो जाती है। आपको मैं ट्राई करके दिखाती हूँ, मेरे वाले में यार घंटों नहीं आती है, देखो ऑन करते ही मिस्ट आपको दिख रही होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और छोटा सा क्यूट सा है एयरबीएनबी के लिए, एक रूम में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देने के लिए काफी है। कल मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाया था और कितनी देर तक यहाँ पे ना जो एसेंशियल ऑयल मैंने डाला था उसकी खुशबू आ नहीं रही थी। तो थोड़ा सा फ्रेश लुक देने के लिए, रोमांटिक लुक देने के लिए ये मैंने एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर ऐड किया टीमू से ही। और इसकी मिस्ट बहुत प्यारी और ये कलर भी चेंज करता है यहाँ पे। अब यार लिविंग रूम में चीज ऐड करी है, किचन में ऐड करी है, बेडरूम में ऐड करी है, तो मैं वॉशरूम को नहीं भूल सकती थी। दो चीज ऐड करी है मैंने वॉशरूम में और दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट एक तो मैं सोचू अपने घर के लिए भी ऐड करूंगी। ये देखो, ये टॉयलेट सीट के लिए मैंने टीकैल ऑर्डर किया था, इतना प्यारा स्टिकर लग रहा है ये जब हम कल लगाने लगे ना। इनफैक्ट मैंने बाथरूम के लिए 3 चीजें ऑर्डर करी है, जब हम कल ये लगाने लगे तो हमें कहते नहीं अच्छा लगेगा यार, मत लगा, नहीं अच्छा लगेगा। देखो ट्रस्ट मी, एक बार आप लगा के देखो। और लगाने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है ऊपर मैंने जितने भी वॉशरूम है ना, 3 वॉशरूम है ऊपर, तीनों के लिए ऑर्डर कर दूं। पर ये देखो ये कितना प्यारा है, आपको पता है सॉर्टेड पंपस ग्रास है और उसके साथ ये सॉफ्ट वाले भी आए हुए हैं। तो ये एक्चुअली बड़े महंगे आते हैं, मतलब मैं बहुत टाइम से पंपस ग्रास देख रही थी, मार्केट प्लेस से भी देखा, विनर से भी देखा, $24-25 की ना 5, 7, 10 पीस आते हैं। तो ये मुझे एक कलर भी दे रहा है और ये इसमें थोड़े थोड़े पंपों भी लगे हुए हैं ना, तो मतलब मुझे ये सिर्फ पंपस ग्रास वाला, ऊपर मेरे पंपस ग्रास है वो मेरी बैक ऐड की है, तो वो इतना कलर नहीं देती है पंपस ग्रास, बट इसकी वजह से ना ये कलर भी आ रहा है और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, आई रियली लव दिस। और ये यहाँ पे मैंने ऐड किया है हेयर कैचर। अब ये जो स्टैंडिंग शावर एरिया होता है ना, इसके अंदर वो छोटे वाले हेयर कैचर नहीं लगते। मैंने अपने ब्रैम्पटन वाले एयरबीएनबी में वो छोटे वाले हेयर कैचर लगा रखे थे, वो बाथटब में जो छोटे छोटे होते हैं, अभी इतना बड़ा वो था। तो इसके लिए मुझे ये टीमों से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ये बड़ा हेयर कैचर मिल गया। तो यहाँ कैनेडा में क्या होता है, जो पाइप्स होते हैं ना हमारे प्लम्बिंग पाइप्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो अगर उसमें बाल बाल फंस जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर सफाई करनी। तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेरे सारे वॉशरूम्स में हेयर कैचर लगे होंगे, नहाते
नहाते हुए, शैम्पू करते हुए, पता नहीं मैं तो सिर्फ एक ही बार कंघी करती हूँ वही नहाते हुए, वरना तो मेरी कभी कंघी नहीं होती है। तो हेयर कैचर जहाँ मैं नहा रही हूँ ना वहां पर तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं अपने भाई एटलीस्ट गेस्ट यूज करे ना करे बाकी बात है, बट मैं हमेशा देती हूँ अपनी तरफ से। वैसे दिखाती हूँ अपने लिए मैंने क्या मंगाया। एक तो मैंने ये मंगाया है मेकअप ब्रश क्लीनर, ये इलेक्ट्रिक है। वैसे मैंने एक बार डॉलरामा से लिया था जो कि इलेक्ट्रिक नहीं था, और उसमें आपको ना काफ़ी ज़्यादा ब्रश को स्क्वीज करना पड़ता है क्लीन करने के लिए, बट इसमें आप ये यूएसबी केबल है ये लगाओगे और इसमें पानी भरोगे और थोड़ा क्लेंजर डालोगे, जिस भी आप शैम्पू से या कैसे भी अपना मेकअप ब्रश साफ कर रहे हो तो ये घूमेगा चलेगा। आपको सिर्फ ब्रश को हल्का हल्का प्रेस करना है। तो ये डीप क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, और मेकअप ब्रश यार रेगुलर क्लीन करने बहुत जरूरी है, वरना एक्ने हो जाता है फेस पे, मुझे तो हो जाता है। तो एक ये चीज़ मंगाई है मैंने, एक मैंने मंगाया है बहुत ही ब्यूटीफुल यार भाई मेकअप ब्रश से रिलेटेड, मेकअप ब्रश रखने के लिए वैनिटी स्टोरेज। ये दिखाती हूँ आपको, अमित को भी अच्छा लगा ये तो, कलर बहुत प्यारा है इसका। ये देखो इसमें अपने सारे मेकअप ब्रशेस रख लो, या जो आपके मेकअप से रिलेटेड ट्यूब्स होती हैं, काजल पेंसिल हो गई, आईलाइनर हो गया, मतलब जो भी स्टैंडिंग चीजें हैं ना वो आप इसमें रख सकते हो, और फिर उसको ऐसे बंद करके रख दो ताकि आपके मेकअप ब्रशेस में डस्ट भी ना चढ़े। और ये तो स्मूथ घूमता है, मतलब ये देखो, और देखने में भी तब ब्यूटीफुल है। मेरे पास वैसे अभी कोई वैनिटी टेबल है नहीं, लेकिन अगर होती ना तो उस पर ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगता। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। आपके मेकअप के लिए आइडिया, आप इस अपने कलर रख सकते हो सारे कलर पेंसिल्स, और एमी अपने पेंटिंग ब्रशेस रख सकती है ना, है ना? हाँ जी। चलो 1 वीक के लिए इसको मैं रखूंगी अपने मेकअप ब्रशेस के लिए। एक चीज मैंने ऑर्डर करी थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, तो मुझे ये टीमों पे मिल गई, बहुत ही बड़ी, मतलब ये इतनी बड़ी है ना कि एमी का पूरा रूम कवर हो सकता है, नहीं तो मैं सोच रही हूँ इसको इस एरिया में भी लगा सकती हूँ, या फिर फ्रेंड्स के साथ साथ लगा सकती हूँ, बिकॉज इतनी बड़ी तो ये है ही। और सबसे अच्छी बात, बहुत ही अच्छी फेरी लाइट्स हैं इसके अंदर, तो ये रात को पूरी जगमग करेगी, दिन में आप इसको लीव वाला फीलिंग ले सकते हो और रात को ये पूरी जगमग भी करने वाली है। तो अब सोचने वाली बात है, अमित और मैं डिसाइड करेंगे कि एमी के रूम में लगाएंगे या बाहर फेंस पे लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ पर भी लगाएंगे जब ये पूरी रेडी हो जाएगी आपको मैं दिखाऊंगी। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है, बहुत बहुत अच्छी लगी है मुझे यार। एक ही ऑसम सी चीज़ मैंने मंगवाई है, किचन के कैबिनेट्स है ना उनके नीचे लगाने के लिए लाइट, तो ये भी LED लाइट है, USB के साथ चलेगी, तो इसे बैटरी का भी कोई झंझट नहीं है, अपना USB जहाँ पे भी उसके नियरेस्ट जो होगा ना प्लग वहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, सारी कैबिनेट के नीचे लगाऊंगा। हमारे नीचे बेसमेंट में तो ये ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसको यहाँ ऊपर वाले कैबिनेट है ना हमारी ऊपर वाली किचन उसमें भी लगा दूंगा, और लगाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा। तो मतलब रात को ना ये क्या होगा कि बाकी लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को ऑन करेंगे और हल्की हल्की सी लाइट किचन में दिखेगी। एंड मैंने सारी लाइट्स ही मंगवाई है वैसे तो मतलब मैंने पूल के लिए एक लाइट मंगवाई है, ये देखो ये आपको दिखाता हूँ, ये ऐसी पूल के लिए लाइट है, दिस इज सोलर लाइट, तो ये पूल के ऊपर फ्लोट भी करेगी और इसमें रात को अपने आप ही जैसे अंधेरा होएगा ना अपने आप ही लाइट जल जाएंगी, तो पूल के अंदर ना तैरती हुई दिखेंगी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरीके से देखो ये बना हुआ है, तो ऐसे पूल में मैं 5-6 लाइट्स डाल देने वाला हूँ। अब जो अगली लाइट मैंने मंगवाई है वो है फेंस लाइट, तो ये स्पेशली वैसे मैंने Airbnb गेस्ट के लिए मंगवाई है, जो बाहर वाली फेंस है ना जहाँ Airbnb गेस्ट उनके एंट्री की जगह है, तो वहाँ पर मैं ये लगाने वाला हूँ ताकि वहाँ पर जब वो रात को आए ना तो थोड़ी सी उनको लाइट लगे। वैसे तो हमने 2 लैंप्स लगाए हुए हैं वहाँ पर, आपने देखे भी होंगे, बट ये एक अलग ही सोलर लाइट है एक और, ये आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से लगेगी ये, तो ये ना फेंस के ऊपर ऐसे सेट हो जाएगी, तो ये यहाँ पर सोलर इसका पैनल है, तो यहाँ से सोलर एनर्जी लेगी और रात को ये टिम टिम करेगी। और एक और चीज़, मतलब जब मुझे शेव करनी होती है ना, नॉर्मली क्या होता है जब कभी मेरा मूड करता है कि मैं थोड़ी सी शेव बढ़ा लूँ, फिर शिल्पा की डांट पड़ती है, फिर मुझे उसको ट्रिम करना पड़ता है, तो जब ज़्यादा शेव ट्रिम करते हैं ना तो क्या होता है कि आपका वॉश बेसिन है ना उससे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, इसलिए मैंने ना ये एक कवर मंगवाया है, ये ऐसे कवर है, इस पर ऐसे सक्शन लगा के यहाँ पर सक्शन लग जाएंगे, आप इसको मिरर के साथ लगा दो, एक साइड मतलब 2 साइड से मिरर के साथ लग जाएगा और इस साइड से ऐसे आपका ये ऐसे हो जाता है, तो ये अपना इस तरीके से होगा, तो आप जब ट्रिम करोगे ना सारे बाल आपके इसके ऊपर ही गिरेंगे। और ये है मिनी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। गाइस शुरू होगी मेरी वॉशिंग मशीन, मैंने किचन में यूज करने वाला जो हैंड टॉवल होता है वो इसमें लगाया है और 10 मिनट्स का स्टैंडर्ड साइकिल चलाया है। अब वो 10 मिनट्स का स्टैंडर्ड साइकिल बंद होने के बाद 2 मिनट्स का स्पिन साइकिल है जो मैं चला दूंगी, दिखाऊंगा वैसे आपको ये हल्का सा खोल के,
ये देखो है ना, बिल्कुल वही वाली सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो इंडिया में होती थी। बस बात इतनी सी है कि इसमें एक आधा कपड़ा ही धुलेगा, छोटी सी है। ये सॉक्स धो लिए आपने, अंडर गार्मेंट्स धो लिए, हैंड टॉवल्स धो लिए, किचन वाले साफ सफाई वाले कपड़े धो लिए, उनके लिए ये मशीन मंगाई है मैंने। मेरे पास ना बहुत सारे डेकोरेटिव बोल्स हैं जिनमें पानी वानी डालकर उनके ऊपर अगर फ्लोटिंग कैंडल्स लगा देना तो बहुत अच्छा लुक आता है। बट फ्लोटिंग कैंडल्स भी अभी तक मैंने जितनी भी ली है ना, मुझे $1 पर कैंडल पड़ी है, क्योंकि फ्लोटिंग कैंडल्स थोड़ी महंगी आती है, खासकर वो वाली जो वासेस के ऊपर या फिर वो जो आपके बोल्स होते हैं उनके ऊपर तैरती है। बट टीमू से मुझे ये 10 मिली है $5 की, या उससे भी सस्ती, मैं आपको रेट दिखा दूंगी। तो ये आधे रेट में मिल रही थी मुझे टीमू से, तो मैंने ये भी ऑर्डर करी है। टू डाउनलोड टीमू ऐप, गो टू द ऐप स्टोर, डाउनलोड टीमू ऐप, साइन इन विद योर फोन नंबर, यू विल सी दिस पेज, अ वेरिफिकेशन कोड विल कम टू योर फोन, पुट योर वेरिफिकेशन कोड ऑन द ऐप एंड दैट्स ऑल, यू आर ऑल सेट टू शॉप ऑन टीमू वेबसाइट। गाइस, अगर आप इस ऐप के न्यू यूजर्स हैं तो ऐप डाउनलोड करने के विद इन 1 आवर अपना सामान आप कार्ट में डालो, चेकआउट पर जाओ, अप्लाई द कूपन कोड जॉइन 8923 और आपको टोटल वैल्यू पे 50% ऑफ मिल जाएगा। और बाकी सारे टीमू यूजर्स के लिए, अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे या फिर टीमू सर्च बार में टाइप करोगे पिक 9536 तो आपको $100 कूपन बंडल्स मिलेंगे। अब आपको ये तो पता ही है ना कि फ्री शिपिंग है, 90 डेज फ्री रिटर्न्स हैं और इतने सारे डिस्काउंट्स तो हैं। तो आई वुड सजेस्ट डाउनलोड टीमू ऐप टुडे एंड स्टार्ट शॉपिंग।